गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी अभी मेरा सारा क्लास ख़त्म हुआ है और मैं ब्रेकफास्ट भी कर चुकी हूँ। आज ब्रेकफास्ट में मम्मी बनाई थी फूलगोभी के पराठे के साथ दही। आज तो खाने में बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ गया। तो पापा आज बाज़ार से कुछ सुबह सुबह लाए हैं, तो मैं आप लोगों को वो खोल के दिखाती हूँ कि उसके अंदर क्या है। फ्रेंड्स, ये देखिए, पापा ये बाज़ार से लाए थे। ये बहुत क्यूट सा मशरूम है, बहुत क्यूट दिख रहा है और साथ ही में बहुत स्मूथ भी है ये मशरूम। तो मम्मी ने मुझे कहा है कि इसे छोटा छोटा पीस करने के लिए, तो मैं इसे पहले छोटा छोटा पीस कर लेती हूँ, उसके बाद देखेंगे कि मम्मी और क्या कहेगी इसे करने के लिए। मैं वो करूँगी और आप लोगों को वो सब दिखाऊँगी कि मैं इसके साथ क्या क्या चीज़ करूँगी, और उसके बाद आंटी इसे कैसे बनाती है मैं वो भी आप लोगों को दिखाऊँगी। फ्रेंड्स, अभी मैं इसे छोटा छोटा पीस कर रही हूँ, कितने सारे कर भी चुकी हूँ छोटे छोटे पीस। ये देखिए, मैंने सभी को छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। अब ये बहुत स्मूथ है, इसलिए ये बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। फ्रेंड्स, मैं इसके जैसे मशरूम कभी देखी नहीं थी, आज पहले बार देखी हूँ। पापा भी पहले बार ही आज लाए हैं। तो अभी मैं इसमें हल्दी डालूँगी इस पानी में पहले। उसके बाद नमक डालूँगी मैं इसके ऊपर और इन सारे मशरूम को इसके अंदर डाल दूँगी मैं अभी। फिर मैं आधा डालने के बाद इन्हें मिक्स करूंगी अच्छे से, पूरा अच्छे से मिक्स करूंगी और लास्ट को मैं इसे पूरा अच्छे से चिपोड़ के निकाल दूंगी, जैसे इसमें थोड़ा सा भी पानी ना रहे। पूरा अच्छे से चिपोड़ दूंगी इसे मैं अभी। ये देखिए, मैंने सबको चिपोड़ के निकाल दिए हैं। अब इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं रहा है। अब मैं दिखाती हूँ कि आंटी अब इसे कैसे बनाएगी। पहले आंटी ने ऑयल डाला है, उसके बाद प्याज डाले हैं। प्याज के साथ इस मशरूम को भी डाल देते हैं जिन्हें हमने चिपोड़ के निकाला था, और उसके बाद उसके ऊपर हल्दी थोड़ा सा, और उसे बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। तो अब उसके ऊपर मिर्ची पूरा काट के डाले हैं हम, लंबा लंबा पीस करके, और हम इसे मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के बाद वो ऐसा हो गया है। उसके बाद हम गार्लिक और कैप्सिकम और तेल को अच्छे से डाल के मिक्स कर देंगे। उसके ऊपर थोड़ा सा प्याज भी डाल देंगे हम।
आंटी ने उसके ऊपर मसाला डाल दिए हैं अभी, उसके ऊपर हल्दी, उसके बाद उसे अच्छे से मिक्स करने के बाद उसके ऊपर मशरूम डाल के उसके ऊपर पानी भी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे हम उसे। फ्रेंड्स अब देखिए ये पूरा अच्छे से बन गया है, कितना अच्छा फ्लेवर आ रहा है इसमें। आंटी अभी करी बना चुकी है, तो करी बनाने के बाद मैं छत के ऊपर आई हूँ। प्लीज़ अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए कि हमारे करी का टेस्ट आप लोगों को कैसा लगा।